सरकारी बोरवेल में गिरे बुजुर्ग का किया गया रेस्क्यू, दो दिन एसडीआरएफ की टीम को मिली सफलता। कोचिंग जाते वक्त दो युवतियों के साथ एक युवक ने की छेड़छाड़, पीड़ित परिवार ने थाने में मुकदमा दर्ज करा मांग, न्याय की मांग की। घने कोहरे के कारण कार के हादसे का शिकार, कार चालक की जलकर हुई मौत। जनेटा शरीफ दरगाह सुबह की नमाज के साथ रोजा उर्स की हुई शुरुआत, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाइयां। पयामे इंसानियत फोरम ने किया रक्तदान, रक्तदान कर देश में भाईचारा बढ़ाने की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां नव वर्ष के अवसर पर पयामे इंसानियत फोरम के सदस्यों ने केजीएमए में रक्तदान किया, भाईचारा बढ़ाने का पैगाम दिया। सदस्यों ने बताया कि मौलाना अलीम मियां नदवी साहब ने 1974 में पयामे इंसानियत फोरम की स्थापना कर आपसी भाईचारा मोहब्बत बनाए रखने के मकसद से की थी। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने देश से नफरत खत्म करने, आपसी भाईचारा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों को उस समय रहते ब्लड उपलब्ध हो सकेगा। इंसानियत फोरम जिसको हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने 74 में कायम किया और इस मकसद से कायम किया कि देश में सुकून और इत्मीनान और खुशियां, आपस के भेदभाव खत्म हो, आपस में मोहब्बत आम हो, और उसी के तहत पूरे देश के 28 स्टेट में इस तरह के काम, इस तरह की कुर्बानियां, इस तरह के खिदमात हो रही हैं, सिर्फ ताकि आपस में दाद बरादरी से हट कर, धर्म और मजाहिब से हट कर, सियासत से हट कर, इंसान इंसान से जुड़ जाए, इंसान। एसडीएम लाल सिंह, सीओ गौतम गवेपाल गौतम के नेतृत्व में एसडीआरएफ और 3 अन्य थानों की पुलिस फोर्स ने सरकारी बोरवेल में गिरे शख्स का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान रामप्रसाद के रूप में की। सीओ गवेंद्र पाल गौतम ने बताया कि 27 दिसंबर से शख्स लापता हुआ था। बोरवेल के पास पड़े कपड़ों के आधार पर दो दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बोरवेल से निकाला है। उन्होंने घटना की सख्ती से जाँच पड़ताल कराने के निर्देश दिए। रामपुर ग्राम में, ग्राम से 2.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पर खेतों में नलकूप विभाग का बोरवेल था, जिसके अंदर राम प्रसाद वर्मा उम्र लगभग 65 वर्ष गिर गए थे। दिनांक 29 को अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना निवासी दो बहनों के साथ कोचिंग जाते समय एक युवक आए दिन रात छेड़छाड़ करता था। पीड़िता के पिता ने युवक के परिजनों से छेड़छाड़ करने की शिकायत की। युवक के परिजनों ने घर आकर उनके साथ मारपीट की। झगड़े में पीड़ित पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने आरोपी पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया और गाँव से पलायन करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि अलीगढ़ से खबर है जहां पर आए दिन एक युवक दो युवतियों से छेड़छाड़ करता था, जिसकी शिकायत परिवार के लोगों ने थाने में की। इसके बाद परिवार के पक्षों और लड़कों के पक्षों में लड़ाई झगड़े के कारण दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संभल की चंदौसी तहसील के जनेठा शरीफ दरगाह में हर साल की तरह 4 रोजा उर्स की शुरुआत सुबह के नमाज के साथ हुई। दोपहर की जोहर नमाज के बाद हजरत नौशे मियां रमतुल्ला अलैह का कुल शरीफ अदा किया गया।
मगरिब की नमाज के बाद हजरत मोती मियां रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ रात में इंशा की नमाज के बाद तकरीर का कार्यक्रम संपन्न किया गया। सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाहिद मियां कादरी नौशानी ने कार्यक्रम के समापन पर कामयाबी की दुआ कराई। इस दौरान सैयद सामी मियां, सैयद आमिर मियां, सैयद कमाल मियां समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अलीगढ़ के वाजिदपुर पलाचांद गांव मार्ग पर बीती रात अधिक कोहरा के कारण एक कार कुएं की मट से टकरा गई और कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार सवार चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधिकारियों ने हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दी और परिजनों की तहरीर के आधार पर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गाड़ी पर गई थी और वहाँ से बाजीपुर होकर के लौट रही थी। गाड़ी कौन सी थी? इको। अच्छा, फिर वहाँ से लौटते वक्त तो कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ से निकला तो मोड़ पर उसे अंतरंत हो गई गाड़ी और वहाँ से निकलने में वो मोड़ पर कुआ था, उस पर गाड़ी कवर नहीं हुई और वहाँ गाड़ी उसमें अच्छी हो गई। किस जगह की घटना हुई है? ये बाजीपुर और पला के बीच में। अच्छा, फिर क्या हुआ फिर उसमें? उसके बाद गाड़ी में आग लग गई एक्सीडेंट होने पर, उसी में मनोज नाम का एक छोड़ोगे ना जाने 10 बजे करीब। अच्छा, फिर 10:30 पे वहाँ से चले फिर। हाँ, चले क्या कभी पता पड़ी जाएंगे। किस तरीका इस जानकारी हुई? ये 100 नंबर फ़ोन करो, आप तुम्हारी पंडित जाए गाड़ी एक्सीडेंट रह गई है तो यहाँ आ जाओ बाइक पर रास्ता पे। हाँ, जब गए हम गाँव के खबर। हाँ, फिर क्या पाया गया? फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।